झारखंड में विस्थापन सबसे बड़ा मुद्दा है, वैसे देश के लिए भी है, लेकिन झारखंड सबसे बड़ा बड़ा मुद्दा है। झारखंड में कल कारखाने, कोयला के खदान, दूसरे भी खनिज पदार्थों का खदान देश के सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। और अफसोस इस बात की है कि अभी तक लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, खासकर कोल इंडिया से, डीवीसी से, एनटीपीसी, इस्पात, ये सब जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं, इसके खनन हैं, उसमें हो चुके हैं। और 1 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित। जब देश में पहली सरकार बनी थी कांग्रेस का आज़ादी के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डीवीसी का उद्घाटन किया था, कई जगह जाकर तिलैया डैम में किया और कई जगह किया। अकेले तिलैया डैम से 56 गांव स्थापित हुए हैं, जहां तक उनको बसा जरूर दिया गया किसी तरह से, लेकिन कोई सुविधा नहीं प्राप्त हुआ। 16,000 अभी झारखंड के लोगों को जो डीवीसी में जिनका जमीन गया उसको रोजगार नहीं मिला। और सबसे ज़्यादा अगर झारखंड के लोग पीड़ित हैं तो कोल इंडिया से और सीसीएल से हैं, बीसीसीएल से हैं। अधिकतर कोयला खदान यहाँ सीसीएल के हैं, धनबाद में बीसीसीएल का है और कुछ ईसीसीएल का वो गोड्डा में और देवघर में है। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुए हैं लोग, सबसे ज़्यादा हुए हैं तो कोल इंडिया से हुए, सीसीएल से हुए, बीसीसीएल से हुए। गाँव का गाँव उजड़ गया, सैकड़ों प्रोजेक्ट चलाए गए खनन के, लेकिन अभी तक भी हजारों लोगों को जमीन का उचित मुआवजा भी नहीं मिला, नौकरी भी नहीं मिला, बहुत लोगों को बसाया भी नहीं गया, पुनर्वास की व्यवस्था भी नहीं हुई। जैसे तैसे जैसे हो कोयला निकाल लो, कोयला निकाल के ख़त्म, बहुत से ऐसा है कि कोयला निकाल के ख़त्म कर दिया तब भी उसको मुआवजा नहीं मिला और न नौकरी मिली। कोल इंडिया, फिर वो आपको कहा डीवीसी, अभी जो बहुत से एनटीपीसी का कुछ कोयला प्रोजेक्ट खुल रहे हैं, एक खुला है, 3 और मिला है हजारीबाग जिला में, पकड़ी बर्बादी चालू है। अभी 22, पहले से 26 कोल ब्लॉक का नीलामी हो चुका है झारखंड में, और अभी जो 40 कोल ब्लॉक का नीलामी करने वाली है केंद्र सरकार, उसमें 22 अकेले झारखंड में होने जा रहा है।